हे hey गाइस माहौल जो बता शानदार सी ए सी एस और सी एम ए फाइनल रिविजन लेक्चर सर चैप्टर नंबर फोर वैल्यू ऑफ सप्लाई सरकार दिल थाम के बैठेगा और सर दिल थाम के बैठ के ही सपने देखे जाते हैं और सर जो सपने देखते हैं उन्हीं के पूरे होते हैं ध्यान देना केवल सपने देखने से काम नहीं होता है पर उसके अकॉर्डिंग मेहनत भी करनी पड़ती है तो आप और हम मिलके सर आइए के लिए और मेहनत कर लेते हैं एंड सर दिल थाम के और हाँ एक बात और सर ये लेक्चर जब शुरू होते हैं आप स्टार्टिंग में कुछ फोटोज देखते होंगे के 90 प्लस के 80 प्लस के प्लस प्लस सर ये वो लोग है जिनसे हमको एनर्जी लेनी है अगला फोटो ये आपका आना चाहिए उस एनर्जी से हमको पढ़ना है दिल थाम के बैठेगा माहौल के साथ पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ एंड सर वैल्यू ऑफ सप्लाई अभी देखिए कैसे खत्म होता है

या प्राइस इज नॉट दिस सोल कंसिडरेशन तो ऐसे केस में हम रेफर करेंगे वैल्यूशन रूल्स और उसके अकॉर्डिंग हम आंसर निकालेंगे प्लस गवर्नमेंट के पास पावर दे रखा है सेक्शन फिफ्टीन सेक्शन फाइव में कि गवर्नमेंट चाहे तो कुछ सर्विस को नोटिफाई करके कुछ सप्लाइज को नोटिफाई करके बता सकती है कि इनका वैल्यू रहेगा वो भी हम पढ़ेंगे वैल्यूशन रूल्स के अंदर अच्छा ये था सेक्शन फिफ्टीन सेक्शन वन जो बोलता है क्या एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू बी एक्सेप्टेड फॉर दी पर्पज ऑफ असेसमेंट इफ

टीसीएस सर दैट इज नॉट टैक्स एट ऑल दैट इज नॉट लेवी एट ऑल सर उसको वैल्यू में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है सर फिर आता है क्या अगर मान लो कोई आपको परचेज मैं सप्लायर हूं आप रेसिपेंट है एंड सर कुछ पेमेंट मेरे को किसी थर्ड पर्सन को करना था उसे कुछ गुड्स या सर्विस परचेस करना था पर रेसिपेंट जो था मेरा कस्टमर उसने डायरेक्टली थर्ड पर्सन को पे कर दिया मेरे बिहार पर तो एक तरह से उसने मेरे को तो पे किया है वो भी वैल्यू का पार्ट बनेगा सर देन बोलता है क्या इंसिडेंटल एक्सपेंसिस अगर कोई भी एक्सपेंसिज विच विक्वायर टू बी बंकर बाय दप्ला टू सप्लाई द गुड्स और सर्विस और बोथ सप्लायर को कोई एक्सपेंसि जैसे कमीशन पे टू द एजेंट सर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस मार्केटिंग एक्सपेंसेस सर पैकिंग चार्जेस प्राइमरी पैकिंग सेकेंडरी पैकिंग स्पेशल पैकिंग कोई भी खर्चे डिजाइन डेवलपमेंट चार्जेस इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीनरी चार्जेस सारे चार, खर, खर्चे अगर उसने बिल में अलग से लिख दिए है ऐसे वो एक्सपेंसेस है विच वर रिक्वयर टू बी बीकर्ड बाई द गुड्स और सर्विस और बोथ वो गुड्स सर्विस सप्लाई करने के लिए उसको वे खर्चे करना जरूरी थे था तो इसे कैसे में वो सब एक्सपेंस भी वैल्यू का पार्ट बनेंगे अगर उसने बिल में अलग से चार्ज किया तो उसको भी वैल्यू में इंक्लूड करना है एंड सर नेक्स्ट आता है हमने टाइम वैल्यू हमने टाइम ऑफ सप्लाई में पढ़ा था अगर आपने प्लायर ने कस्टमर से ओवर एंड अबाउट द प्राइस इंटरेस्ट डिलेट पेमेंट चार्जेस या कोई लेट पेमेंट फीस चार्ज के लिए वो भी वैल्यू का पार्ट बनेगा सर नेक्स्ट आता है क्या सब्सिडी सब्सिडी भी वैल्यू का पार्ट बनेगा पर ध्यान रखना बेटा क्या सब्सिडी सब्सिडी शुड बी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस सर तो वैल्यू का पार्ट बनेगा पर सब्सिडी शुड बी गिवन बाय एनी पर्सन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई सब्सिडी दी तो वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा अदरवाइज सब्सिडी विल ऑलवेज बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ द गुड्स पर सर सी दीजिएगा सब्सिडी सब्सिडी में कई सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है सर वैल्यू ऑफ द गुड्स दे रखा है क्वेश्चन मान लो एटी फाइव थाउजेंड एंड सब्सिडी दे रखा है फिफ्टीन थाउजेंड उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या सर द प्राइस ऑफ द गुड्स इज आफ्टर कंसिडरिंग सब्सिडी तो सर इसका मतलब क्या है सर ओरिजिनल प्राइस थी वन लाख रुपए सब्सिडी था कितना पंद्रह हजार रुपए कंसीडर करने के बाद का तो सर, सर प्राइस कम हो गया तो सब्सिडी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट तो इग्नोर करने का कुछ नहीं करने का, पर अदर देन सेंट्रल गवर्मेंट स्टेट गवर्नमेंट ने तो वैल्यू में इंक्लूड करके अल्टीमेटली वैल्यू वन लाख पे आ जाएगी बेटा क्लियर डन तो सर सब्सिडी अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट इफ इज डायरेक्टली लिंक विद प्राइस वैल्यू इंक्लूड करने का क्लियर सेक्शन सबसे थ्री बोलता रुकने का

तो ऐसे केस में भी वो वैल्यू से एक्सक्लूड हो जाएगा वैल्यू में से वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे वैल्यू से लेस करके उस अमाउंट का हम क्रेडिट नोट इश्यू कर देंगे और सर उसके लिए कुछ कंडीशन है सर कंडीशन क्या है फर्स्ट सर इट शुड बी लिंक टू द इनवेस क्रेडिट नोट जो आप इशू करेंगे इट शुड बी लिंक्ड विद द इन्वेसेज सेकंड थिंग एट द टाइम ऑफ सप्लाई इटसेल्फ ये कंडीशन नॉन होनी चाहिए पता होना चाहिए कि सर ऐसा होने पे डिस्काउंट मिलेगा एंड थर्ड सर जितना आपने क्रेडिट नोट यूज क्रेडिट नोट इशू करके अपनी लायबिलिटी कम करी है उतने अमाउंट का प्रपोशनट इनपुट टैक्स क्रेडिट रेसिपी रिवर्स किया होना चाहिए तभी जाके सर ये डिस्काउंट जो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट होता है वो एक्सक्लूड होगा पर ध्यान दीजिएगा बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आपने फ्यूचर में जाके कभी एडोक डिस्काउंट दिया मतलब एट द टाइम ऑफ सप्लाई ये नहीं था कि आप डिस्काउंट ऐसा होने पे डिस्काउंट डिस्काउंट मिलेगा दे दिया ऐसे ही डिस्काउंट दे दिया आपने सर तो ऐसे केस में ये इस तरह का जो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट होता है वो वैल्यू से वैल्यू से एक्सक्लूड नहीं होता ऐसे केस में केवल फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं जीएसटी वाला क्रेडिट नोट इशू नहीं होगा सरकार ये हमने पढ़ा क्या सेक्शन नंबर फिफ्टीन अब आइए क्या अगर आप सर इस पर सेक्शन फिफ्टीन सर आपका वैल्यू डेडमान नहीं हो रहा है सर बायर एंड सेलर रिलेटेड है प्राइस इज नॉट दिस सोल कंसिडरेशन या फिर कुछ सप्लाइज जिसका प्राइस जिसका वैल्यू गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया उसके लिए हम रूल्स रूल इंपॉर्ट है थर्टी फाइव इज रिगार्डिंग वैल्युशन सी जी एस टी रूल्स के रूल नंबर ट्वेंटी सेवन लिखा है क्या अगर इफ प्राइस इज नॉट दिस कंसिडरेशन मतलब मनी के अलावा काइंड में भी कंसिडरेशन है तो ऐसे केस में वैल्यू क्या होगा जैसे होता ना सर नया मोबाइल खरीदना अगर आपको पुराना मोबाइल दीजिए और एक्सचेंज में अब आप एक्सचेंज देखें नए मोबाइल का प्राइस कम हो जाएगा और रिमेनिंग प्राइस आपको पे कर देना हा है ना भाई पचास हजार का मोबाइल है कोई भी पुराना मोबाइल लेके आइए चालीस हजार में आपको नया मोबाइल मिल जाएगा ऐसे केस में वैल्यू क्या होगा रूल नंबर ट्वेंटी सेवन बोलता है क्या सबसे पहली बात ओपन मार्केट वैल्यू अगर आप एक्सचेंज में नहीं लेते डायरेक्ट लेते तो कितने में होता दैट इज वट इज कॉल्ड ओपन मार्केट वैल्यू सर अगर ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स अवेलेबल नहीं है तो इस केस में मनी प्लस काइंड का एफएमवी सर मतलब जो आपने मनी दिया है वो प्लस जो आपने काइंड में कंसिडरेशन दिया है उसका फेयर मार्केट वैल्यू मॉनेटरी वैल्यू क्या होगा वो वैल्यू में हम इंक्लूड करेंगे और वो वैल्यू आएगा और उससे भी अगर वैल्यू नहीं आ रहा है तो ऐसे केस में सर वैल्यू ऑफ गुड्स ऑफ लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी मतलब सर मैं मान लो ये वाला गुड्स का नहीं हो पा रहा है सर तो ऐसे केस में वैल्यू ऑफ गुड्स ऑफ लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी सिमिलर गुड्स आर सर कमर्शियली इंटरचेंजेबल विचार सर यूज्ड बाय कस्टमर्स तो ऐसे केस में हम उसकी वैल्यू हम ले लेंगे एंड सर उससे भी अगर वैल्यू नहीं आए तो ऐसे केस में जो मनी में आपने कंसिडेश वो प्लस सर जो करेंट का कंसरे था उसकी वैल्यू निकालने के लिए रूल नंबर थर्टी वन शेल बी फॉलोड इन सिक्वेंस रूल नंबर थर्टी बोलता है क्या थ्री जीरो बोलता है क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर आपने आप मैन्युफैक्चरर हो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरर का हंड्रेड एंड टेन परसेंट और अगर आप ट्रेडर हो तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का 110 परसेंट टेन परसेंट द वैल्यू और अगर आप सर्विस सप्लायर हो तो सर जो कॉस्ट इन कर आपने सर्विस सप्लाई करने में उसका 110 परसेंट टेन परसेंट द वैल्यू ऑफ सप्लाई और अगर उससे भी वैल्यू नहीं आ रहा तो रोल नंबर थर्टी बोलता है क्या भाई साहब बेस्ट जजमेंट सर ऑफिसर क्या करेगा अपना बेस्ट जजमेंट यूज करेगा और रिगार्ड टू दोविजन एंड फंडामेंटल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन फिफ्टी एंड अब रूल्स वैल्यू डिटरमाइन करेगा और हाँ यहां पर लिख दिया गया सर्विस केस में आप चाहते हो रूल नंबर थर्टी फॉर होना करो डायर थर्टी वन पर आ जाए क्योंकि सर्विस में कॉस्ट इनको इन प्रोवाइडिंग सर्विस निकालना बड़ा डिफिकल्ट होता है क्लियर आइए सर रूल नंबर ट्वेंटी एट अगर आपने जो सप्लाई किया है वो रिलेटेड पर्सन को किया है या सप्लाई बिटवीन डिस्टिंग पर्सन हुआ है अदर देन एजेंट एजेंटली रूल नंबर ट्वेंटी नाइन दे रहा है तो सर क्योंकि सोल सेलिंग एजेंट भी रिलेटेड पर्सन के स्कोप में आते तो ऐसे केस में रूल नंबर ट्वेंटी नाइन लगाने का सर रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंग पर्सन अदर देन एजेंट के केस में बोला है क्या अगर आपने सर जो गुड सप्लाई किया है उसकी वैल्यू निकालना नहीं तो सर ऐसे केस में रूल नंबर ट्वेंटी बोलता है ओपन मार्केट वैल्यू वही गुड्स किसी और को दिया तो कितने दिया होता सर क्लियर उससे वैल्यू उस नहीं है तो गुड्स ऑफ लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी की वैल्यू उससे भी नहीं तो रूल नंबर थर्ट थर्टी वन सेल्वी फॉलोडक्स थर्टी थर्टी वन हमने बात कर ली बेटा पर यहां पे बोला है क्या सप्लायर के पास चॉइस है एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर सर अगर वो रेसिपेंट उन गुड्स को या गुड्स ऑफ लाइक को सेम कंडीशन में रीसेल करता है तो जितने में उसने गुड्स like ले, like ले सकते हो तो मतलब आप चाहे तो इस तरह से वैल्यू निकाले, या फिर 90% ऑफ द प्राइसिपेंट टू अनरिलेटेड कस्टमर बोलिए जो भी बेनिफिश आप लीजिए हमें कोई दिक्कत नहीं है पर पे एक मस्ट पॉइंट प्रोवाइजो लिखा हुआ है बोला हुआ है क्या अगर आपका जो रेसिपिएंट है जो आपका रिलेटेड पर्सन है या डिस्टिंग पर्सन है उसको अगर 100 परसेंट इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है जो भी आप वैल्यू लिख रहे हो उस पर जो जीएसटी लगाओगे आप उसका 100 परसेंट आईटीसी के लिए अगर वो एलिजिबल है तो जो भी आपने बिल पे वैल्यू लिखी है उसी को ओपन मार्केट वैल्यू मान लेंगे हम झगड़ा नहीं करेंगे क्योंकि सर स रुपए वैल्यू लिखू उस पर मानो एटीन परसेंट टैक्स है तो उसको पूरा आई मिलेगा दस लाख रुपए वैल्यू लिखू उस एटीन परसेंट टैक्स होगा तो भी उसको आई मिल जाएगा गवर्नमेंट को कोई एडिशनल फायदा तो हो नहीं रहा है इसलिए जाना तो भाई झगड़ा क्यों करे उसी को ओपन मार्केट वैल्यू मानते हुए उसी वैल्यू को हम एक्सेप्ट कर लेंगे क्लियर डन सर रूल नंबर ट्वेंटी इफ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट और एजेंट टू प्रिंसिपल ध्यान है शेड्यूल वन में कवर है सर तो ऐसे केस में वैल्यू क्या होगा तो प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई किया या एजेंट ने प्रिंसिपल को सप्लाई किया ऐसे केस में वैल्यू क्या होगा सर ओपन मार्केट वैल्यू ओपन मार्केट वैल्यू या फिर और सर रेसिपेंट जो है जो भी रेसिपेंट ऑफ गुड्स है वो अगर सेम गुड्स को गुड्स ऑफ लाइक एंड लाइक क्वालिटी को सेम कंडीशन में अगर रीसेल करता है तो सर उसका नाइनटी परसेंट मतलब जिस प्राइस में उसने आगे बेचा है उसका नाइनटी परसेंट या ओपन मार्केट वैल्यू सप्लायर मैं हूं आप रेसिपेंट बेटा रे सप्लायर के पे ओपन मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है या फिर रेसिपेंट गुड्स ऑफ लाइक एंड लाइक क्वालिटी सप्लाई के आगे उसका नाइन परसेंट क्लियर जो भी आप चाहे वो ले लीजिए पर अगर वैल्यू नहीं आ रहा तो ऐसे केस में सर सर अरे सटोरियो बेटिंग गेमलिंग लॉटरी खेलते हो ना और सर जैसे ही जुए में अगर लॉटरी में लॉटरी खुल गई तो आपको लगता है ना आज तो अपन चांद पे पर सर आपको नहीं पता सरकार जो मजा इस जमीन पर है जो मजा इस दुनिया में है वो चांद पे अभी नहीं है सरकार तो चांद तो केवल सबने मिला अच्छा अभी आप देखिए कहां पर रूल नंबर थर्टी वन है बैटिंग लॉटरी सर ये सप्लाई के स्कोप में आते है, आपको पता है सर इस जीएसटी लगता है सर वॉट इज द वैल्यू इन केस ऑफ बैटिंग गैमलिंग और हॉर्स रेसिंग जितने वैल्यू का आपने बैट खेला है मान लो एक लाख रुपए का जुआ खेला आपने बेटा एक लाख रुपए की बेट लगाई है सर ये अमाउंट आपने टोटलाइज को पे किया है तो सर वन लेक इज द वैल्यू ओवर एंड अबाउट दैट अमाउंट

प्राइस नोटिफाइड बाई दी गवर्नमेंट इंडियर ऑफिशियल गजेट, उसका 100 डिवाइड बाय 128, या फिर फेस वैल्यू ऑफ लॉटरी टिकट है इंटू हंड्रेड डिवाइड बाई वन जो वैल्यू आएगा विच हायर, ये वैल्यू होगा वैल्यू ऑफ लॉटरी टिकट सर रूल नंबर थर्टी टू सरकार डिटर्मिनेशनल वैल्यू इन सर्टन सप्लाई सेक्शन रूल नंबर थर्टी टू सर नंबर वन बोलता है फॉलोइंग सप्लाइस में सप्लायर के पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो

जिस रेट में आपने कन्वर्ट करी है उसको कंपेयर करना किससे आरबीआई रेफरेंस रेट से आरआरआर से कंपेयर करना जो भी डिफरेंस होगा दैट इज द कमीशन अमाउंट दैट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई उस पर लगेगा जीएसटी पर अगर किसी करेंसी का आरआरआर अवेलेबल नहीं तो ग्रॉस अमाउंट एक्सचेंज इन आईएनआर का वन परसेंट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई उस लगेगा जीएसटी एंड अगर आपने डॉलर दिया पाउंड लिया इफ द दीदर ऑफ द करेंसी एक्सचेंज इज आई एन आर तो ऐसे केस में सर दोनों करेंसी का आर यूज़ करके दोनों को आई एनआर में कन्वर्ट करेंगे दोनों में जो कम अमाउंट आएगा उसका वन परसेंट तो वैल्यू ऑफ सप्लाई ये रूल नंबर थर्ट सब रूल नंबर टू क्लोज नंबर ए पर सर ऑप्शन दिया सप्लायर को कि वो चाहे तो ऑप्शनल स्कीम क्लोज नंबर बी में जो दे रखा है वो भी ले सकता है पर सर उसने अगर ये ऑप्शनल स्कीम लिया है तो मिड ऑफ ईयर में इस ऑप्शन को वो चेंज नहीं कर सकता है चेंज ऑफ फाइनेंशियल ऑप्शन चेंज कर सकता है ऑप्शन नंबर टू बोलता है कि ग्रॉस अमाउंट एक्सचेंज इन आई ग्रॉस अमाउंट एक्सचेंज इन आई अगर आप टू रूपीज वन लिखे पर ट्रांजेक्शन देखना आपको स्ल अगर आप टू टूपीज वन लिखे तो वन द ग्रॉस अमाउंट एक्सचेंज इन आई द वैल्यू सप्लाई पर मिनिमम इज रुपीज टू इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई पर अगर ग्रॉस अमाउंट एक्सचेंज इन आई इज मोर देन रुपीज वन लेख टू रूपीज टेन लेख तो वन लेख पे तो वन थाउजेंड है ये सर वन परसेंट के हिसाब से वन लेख से ऊपर जितना भी गया उसका हाफ पॉइंट फाइव परसेंट पर वो भी अब तक वो भी कब तक टू रुपीज टेन लेख जो अमाउंट आपने एक्सचेंज कराया क्लियर तो सर टेन लेख से ऊपर किया तो फर्स्ट पे उंड नेक्स्ट जो नाइन लेख था उस पर फिफ्टी फाइव हंड्रेड तो फर्स्ट दस लाख पे फिफ्टी फाइव हंड हो गया दस लाख से ऊपर जितना भी गया उसका बी द वैल्यू सप्लाई पॉइंट वन परसेंट ऑफ द्रोस अमाउंट एक्सचेंज इन आन आर पर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम रुपीज सिक्सटी थाउजेंड पर ट्रांजेक्शन मिनिमम है टू फिफ्टी पर ट्रांजेक्शन मैक्सिम सिक्स पर ट्रांजेक्शन दे रखा है रिगार्डिंग वैल्यू सप्लाई इन केस ऑफ मनी चेंजिंग सर्विसेज क्लियर अच्छा ना यहां पर मैक्सिमम का लिमिट पे नहीं रखा ऑप्शन टू के मिनिमम टू फिफ्टी पर ट्रांजेक्शन मैक्सिम सिक्स पर ट्रांजेज सप्लाई रूल नंबर थ्री कहता है केस ऑफ ट्रेवल एजेंट एयर ट्रेवल एजेंट की बात करो इन केस ऑफ डोमेस्टिक फ्लाइट सर फाइव ऑफ द वैल्यू सप्लाई एंड इनकेस ऑफ इंटरनेशनल फ्लाइट टेन परसेंट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई फाइव परसेंट ऑफ द बेसिक द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक फ्लाइट इनकेस इंटरनेशनल फ्लाइट टेन परसेंट ऑफ द बेसिक एयर फेयर इज द वैल्यूफ सप्लाई पर हाँ ध्यान दीजिएगा बेटा सर एयर ट्रेवल एजेंट जितने भी हम ये रूल नंबर थर्टी टू के अंदर जितने भी पॉइंट पढ़ रही है सब सप्लायर का ऑप्शन है कि वो चाहे तो ये इस तरह से वैल्यू निकाले वो चाहे तो एक्चुअल जो कमीशन आता है उसके बेस पे भी वैल्यू निकाल सकता था वो क्लियर रूल नंबर थर्टी टू में जितने भी ऑप्शन है सभी ऑप्शन स्कीम से सर सर रूल नंबर थर्टी टू सब नंबर फोर बोलता है क्या इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस ध्यान दीजिएगा बेटा लाइफ इंश्योरेंस के अंदर अगर इंश्योरेंस स्कीम जो है वो लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा करो जनरल इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा लाइफ इंश्योरेंस में अगर इंश्योरेंस स्कीम प्योरली रिस्कवर की है इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस स्कीम नहीं है प्योरली रिस्क कवर की तो ग्रॉस अमाउंट ऑफ प्रीमियम चार्ज इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई पर अगर इंश्योरेंस पॉलिसी इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस इंश्योरेंसम है सेविंग कम इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें सर आफ्टर सर्टन टाइम आपको एक सर्टन अमाउंट मिलने ही वाला है या फिर यूनिट्स मिलने वाली है आपको यूलिप प्लान वगैरह जो होते हैं इस तरह के उसमें कह दिया क्या सर ग्रॉस अमाउंट एक्सचेंज सॉरी ग्रॉस अमाउंट ऑफ प्रीमियम सर उसका फर्स्ट ईयर में ट्वेंटी फाइव परसेंट सेल विद्यू ऑफ सप्लाई एंड सेकेंड इन सबसे ग्रोथ अमाउंट ऑफ प्रीमियम का ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट सेल विद वैल्यू ऑफ सप्लाई उस पर लगेगा जीएसटी बाकी का अमाउंट इन्वेस्टमेंट का उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा और अगर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है क्या मालिक सिंगल प्रीमियम पॉलिसी वन टाइम पॉलिसी वन टाइम प्रीमियम दीजिए बात खत्म भारत माता की जाए तो ऐसे के इसमें टेन परसेंट ऑफ दो प्रियम चार इस द वैल्यू ऑफ सप्लाई क्लियर हो गया रोल नंबर सब नंबर रोल नंबर सब नंबर सेकंड हैंड हैंड गुड्स गुड्स अगर आप सेकंड के डीलर हो जो गुड्स परचेज करते हो और एज इट इज बेचते हो विदाउट एनी प्रोसेसिंग और फर्दर सच प्रोसेसिंग विच डो नोट चेंज दिस्टिक विच डो नॉट चेंज दी गुड्स बस आप क्या करते हो सेकंड हैंड मोबाइल फॉर एक्साम्पल उसकी दुकान है सेकंड हैंड कार की दुकान है साहब खरीदते हो थोड़ा सा उसका कलरिंग पॉलिशिंग और डेंटिंग पेंटिंग करते हो और गुड्स बेच देते हो साहब आप तो ऐसे केस में आप रोल नंबर थर्टी टू सबल नो फाइव की स्कीम के लिए एलिजिबल हो इसको मार्जिनल स्कीम भी बोलते हैं सर इसमें बोला है क्या आप चाहो तो ऑप्शन क्या है या तो नॉर्मल टैक्स पे करो नॉर्मल तो, पे पे आ जाए तो वैल्यू बी डीम टू बी नील पर कंडीशन क्या है कंडीशन क्या है अगर आपको मार्जिनल स्कीम लेनी है तो उस गुड्स के परचेज पे अगर आपने कोई जीएसटी पे किया तो उस गुड्स के परचेज पे जो आईटी जो जीएसटी पे किया उसका कोई आईटीसी नहीं मिलेगा आई रिपीट

अब उस गुड्स रिपर्चे गुड्स को बेचते हो और अगर आप रूल नंबर थर्टी टू लेना चाहते हो तो ऐसे केस में आपका परचेज प्राइस क्या होगा भाई सेल प्राइस जितने पर रिपर्चेस प्रोवाइज तो इंसर्ट करके बोल दिया कि जो ओरिजिनल परचेज प्राइस था माइनस फाइव परसेंट पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ दी क्वार्टर आप लेस करेंगे रिमेनिंग अमाउंट जो आएगा वो आपका परचेज प्राइस आएगा एंड उसको कंपेयर करना सेल प्राइस है जो डिफरेंस होगा वो मार्जिन हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगा देना पर सर ध्यान देना सर फाइव परसेंट पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ क्वार्टर पूरे जीएसटी के अंदर क्वार्टर का मतलब क्या है जनवरी फेबर मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सेप्टेंबर एंड अक्टूबर नवंबर दिसंबर इस तरह से क्वार्टर काउंट होते है पूरे जीएसटी में पूरे जीएसटी में जहां पर भी क्वार्टर वर्ड काम आता है पर हाँ ध्यान दीजिएगा बेटा ये क्वार्टर कब से कब तक काउंट करने है डेट ऑफ परचेज से काउंट करने कब तक रिपर्चेज क्या उससे कोई मतलब नहीं है डेट ऑफ परचेज जब ओरिजिनल जिसने लोन लिया था बोरोर, उसने जब परचेस किया था वहां से हमको कंपनी करने है कब तक? जब वो गुड्स, जब वो तब तक का आपको 5% पर क्वार्टर अकॉर्डिंगली आपका परचेस प्राइस निकलेगा उसको करेंगे और अकॉर्डिंगली सर मार्जिन अमाउंट आएगा पे जीएसटी करना है, सर, पे करना है।, 32, 6 बोलता है क्या केस ऑफ वाउचर्स कूपन स्ट सर उसका वैल्यू क्या होगा जितना वैल्यू का गुड सर्विस अगेंस्ट वाउचर इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड सर सब रिनी बोलता है गवर्मेंट पास पावर की चाहे तो कुछ सर्विस को नोटिफाई करके बोल सकता है कि सर ये सर्विसेज अगर आपने डिस्टिंग पर्सन को ही सप्लाई करी अपने ही डिस्टिंग सप्लाई करी तो वैल्यू बी डीम टू बी नील पर एट प्रेजेंट यहां पे कोई भी सर्विसेज नोटिफाई नहीं करी इसलिए रूल नंबर थर्टू टू सेवन प्रैक्टिकली अभी काम का नहीं है सर रूल नंबर थर्टी टू ए बोलता है क्या केरला फ्लड से सर केरला में जो फ्लड आया था उसके लिए सर कुछ गुड्स पे केरला फ्लड से जब लगाया था वहां पर तो ऐसे केस में उसके लिए रूल नंबर थर्टी टू ए दिया वैसे ये रूल नंबर थर्टी टू ए आपके सिलेबस में नहीं आता पर ये बस ये छोटा सा पॉइंट बोला है कि केरला से से केस में वैल्यू वही होगा जो इस पर सेक्शन फिफ्टीन निकलता है पर ध्यान देना सेक्शन फिफ्टी सब सेक्शन टू में बोला सारे टैक्सेस अदर देन सी जीएसटी एस जीएसटी आजीएसट यू टी जीएसटी एंड जीएसटी कंपनी से सारे टैक्स इंक्लूड करते हैं पर केरला से इसको इंक्लूड मत करना बाकी सब जो मतलब इस पर सेक्शन फिफ्टी जो वैल्यू था वही निकलना बस केरला फ्लड से इसको इंक्लूड मत करना वैल्यू में कोई खास बात नहीं है सर रूल वेरी गुड रूल रिगार्डिंग प्योर एजेंट सर वैल्यू सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन केस ऑफ प्योर एजेंट अगर आप प्योर एजेंट हो तो वैल्यू क्या होगा भाई सर प्योर एजेंट होता क्या पहली बात तो ये मैं मान लो सप्लायर ऑफ गुड्स या सर्विसेज हूं आप सर आप रेसिपेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज हो सर ध्यान देना बेटा मैंने कोई ऐसा एक्सपेंस किया है जो मुझे इंकर करना ही था रेसिपेंट को ही वो एक खर्चा करना था मुझे तो वो इंकर करना ही था रेसिपेंट ने मुझे रिक्वेस्ट करी प्लीज सर मेरे पे वो वो एक्सपेंस कर दो वो सर्विस का बेनिफिट मेरे को मिल जाएगा बस पेमेंट आप कर दो पेमेंट थर्ड पर्सन को आप कर देना जितना वो मांगे उतना पेमेंट मेरे से बिल में अलग से लिख के रीबर्समेंट लेना सर तो ऐसे केस में वो जो एक्सपेंस मैं इंकर कर रहा हूं जो मैं पे कर रहा हूं थर्ड पर्सन को सर दैट इज दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेंस मेड बाई सप्लायर एज अ प्योर एजेंट ऑफ द रेसिपेंट और उसको वैल्यू में इंक्लूड नहीं करते दैट विल एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई अब सर उसका एक एक्साम्पल दूंगा तो समझ में आएगा भारत माक जाएगी मान लो सर मैंने एक्स फैक्ट्री बेस पे कॉन्ट्रैक्ट किया है सरकार मतलब मैं जो गुड्स बेच रहा हूं उसका रिस्क रिवॉर्ड ओनरशिप मेरे फैक्ट्री गेट पे ट्रांसफर हो जाएगा तो ऐसे केस में सर आप मेरी फैक्ट्री पे आपने मान लो ये पेन का ऑर्डर दिया मेरे को दस हजार पेन चाहिए सर आप मेरे यहां पर आइए और ले जाइए हमें कोई दिक्कत नहीं है पर आपने कहा सर मैं वहां पे नहीं आ सकता मैंने कहा मेरा तो एक्स फैक्ट्री बेस पे कॉन्ट्रैक्ट है सर यही तक का कॉस्ट मैं इंकर कर सकता हूं उसके आगे का कॉस्ट मेरा नहीं है आपने बोला सर प्लीज एक ट्रांसपोर्टर अरेंज कर दो ना और सर वो ट्रांसपोर्ट की जो भी रिस्क रिवॉर्ड होगी सब उस रेसिपेंट की है उस ट्रांसपोर्टर का जो फ्रेड पे करना है वो भी उस रेसिपेंट को ही पे करना है भाई मैंने कहा डन वो मैं अरेंज कर दूंगा साहब पर वो ट्रांसपोर्टर बोलता है क्या मेरे को सर आप फ्रेट पहले एडवांस में दीजिए क्योंकि रेसीपीट चोर है मैंने गुड्स वहां डिलीवर कर दी उसके बाद मेरे को थप्पड़ मार के भगा देगा सर पर मुझे बताया था थप्पड़ से डर नहीं लगता, लगता है पैसों से डर लगता है पैसा नहीं दिया तो क्या होगा इसलिए वो एडवांस मेरे से ही फ्रेट ले लेता है तो ऐसे केस में मैंने उस रेसिपिन से पूछ लिया भाई फ्रेट वो एडवांस मांग रहा मैं दे दू क्या सर उस नंबर हाँ दे दो सर और जो भी आपका बिल बनेगा उसमें अलग से उस फ्रेट के अमाउंट को लिख देना तो ऐसे केस में एक्स फैक्ट्री बेस पे कॉन्ट्रैक्ट है मैंने जस्ट ट्रांसपोर्टर अरेंज करवाया है

एफओ आर बेस पे होता है फ्री ऑन रिसीट आपके घर पर डिलीवरी करने तक का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है तो ऐसे कि इसमें वो एक्सपेंस भली में बिल में अलग से लिख दू पर दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू सप्लाई सर उसको वैल्यू में इंक्लूड करेंगे अगर एफओ आर बेस पर डिलीवरी है तो अब भले उसको फ्रेट रेसिपी डायरेक्टली पे करें या मैं पे करू वैल्यू में हमेशा इंक्लूड होगा अगर आपके हाथ तक डिलीवरी करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा था तो बेटा और क्वेश्चन अगर कुछ भी नहीं बोले कभी तो ऐसे केस में फ्रेड को हमेशा मानने का कि आपका एफओ आर बेस पर ही डिलीवरी था और ऐसे केस में रिस्क रिवॉर्ड ऑनरशिप सारा सप्लायर का था जब तक कस्टमर के यहाँ गुड्स नहीं पहुंचाता था इसलिए वैल्यू में इंक्लूड करना पड़ेगा पर अगर वो प्योर एजन वाला जो मैंने एक्स फैक्ट्री बेस वाला या एक्स वर्क वाला जो मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट बताया था उसके केस में वो प्योर रजन की तरह माना जाएगा और उसको वैल्यू में इंक्लूड नहीं करने का और यहाँ ध्यान रखना आपको बिल में एक्जैक्टली वो अमाउंट सेपरेटली लिखना पड़ेगा जो आपने थर्ड पर्सन को पे किया है उस रेस्टोरेंट की ब्यास पर ही वो एक्सक्लूड होगा अगर आपने एक रुपए चार्ज कर लिया तो वैल्यू में इंक्लूड हो जाएगा बेटा क्लियर डन भारत माता की जय सरकार आइए अच्छा ये एग्जाम्पल दे रखा जो मैंने ट्रांसपोर्ट का आपको बताया उसके अकॉर्डिंग मैंने लेक्चर में समझाया भी भी है अच्छा एक सर्कुलर आता रिगार्डिंग एयरपोर्ट लेवीज पैसेंजर सर्विस फीस और यूजर डेवलपमेंट फीस सर क्या होता है एयरलाइंस जब आप जब आप लोग टिकट बुक कराते हो फ्लाइट का तब सर एयरलाइंस बिल में यूजर डेवलपमेंट फीस एंड पैसेंजर सर्विस फीस अलग से कुछ चार्ज करती है दीज आर एयरपोर्ट लेवीज ये एयरपोर्ट जो सर्विस दे रहा है पैसेंजर को उसके लिए वो फीस है जो एयरपोर्ट चार्ज करता है एयरपोर्ट अथॉरिटी चार्ज करती है पैसेंजर से पर सर हर पैसेंजर से वो एयरपोर्ट अथॉरिटीज इतना छोटा छोटा अमाउंट कलेक्ट नहीं कर सकती इसलिए उन्होंने एयरलाइंस को बोल दिया कि आप हमारे बिहाफ पर वो अमाउंट पैसेंजर से कलेक्ट कर लीजिए और सर जो भी अमाउंट आप कलेक्ट करेंगे वो बिल में आप अलग से लिखेंगे और हमको देंगे तो ऐसे केस में सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया कि जी हाँ इट स्क्वायरली फिट इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर एजेंट एंड सर एयरलाइंस जो पैसेंजर से यूजर डेवलपमेंट फीस या पैसेंजर सर्विस फीस कलेक्ट कर रही है बिल में अलग से लिख के वो जस्ट एज अ प्योर एजेंट ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटीज कलेक्ट कर रही है ऐसे केस में सर वो पैसेंजर सर्विस फीस या यूजर डेवलपमेंट फीस वैल्यू सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा फॉर द एयरलाइंस वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे पर हाँ सर डेफिनेटली दीज सर्विस प्रोवाइडेड बाय सर एयरपोर्ट अथॉरिटीज टू दी पैसेंजर तो ऐसे केस में जो भी फीस हमने कलेक्ट करी है एयरलाइंस ने कलेक्ट करी कस्टमर से वो वैल्यू पर एयरपोर्ट अथॉरिटीज आर लाइबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली और हाँ प्लस इनके अरेंजमेंट के केस में एयरलाइंस बोलती भाई हम कस्टमर से ही पैसा कलेक्ट कर कर हैं हमको क्या मिलेगा तो ऐसे केस में कलेक्शन फीस मिलता है airlines को तो airlines 5 पर लेती है किसे एयरपोर्ट अथॉरिटी से एज कलेक्शन चार्जेस तो पांच रुपए का पार्ट बनेगा अदरवाइज सर जो एयरपोर्ट लेवीज है वो वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा एयरलाइंस के लिए बेटा क्लियर डन सर रूल नंबर थर्टी फोर बोलता है क्या अगर मान लो फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन किया तो वैल्यू तो आर निकालना पड़ेगा ना भाई तो ऐसे केस में रेट ऑफ एक्सचेंज कब का पहली बात तो जिस दिन टाइम ऑफ सप्लाई होगा उस दिन का पर कौन सा रेट ऑफ एक्सचेंज लेंगे इनकेस ऑफ गुड्स सीबीआईसी जो नोटिफाई करती है कस्टम्स के पर्पस के लिए वो रेट ऑफ एक्सचेंज लेंगे किस दिन का जिस दिन टाइम ऑफ सप्लाई था एंड सर्विसेज के केस में इस पर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो रेट ऑफ एक्सचेंज निकलेगा किस दिन का जिस दिन टाइम ऑफ सप्लाई था उस अकॉर्डिंग वैल्यू सप्लाई निकलेगा सर एंड रूल में थर्टाई बोलता है अगर कभी भी सर जो प्राइस लिखा है वो इंक्लूसिव टैक्स है मान लो रुपीज ट्वेल्थ थाउजेंड हमारा फीस है और ट्वेल्व थाउजेंड के अलावा हमने कुछ भी चार्ज नहीं किया आपसे तो ट्वेल्थ क्या ऑफ जीएसटी क्लियर अगर मान लो ये इंट्रा स्टेट सप्लाई था परसेंट सी तो डेफिनेटली डिवाइड करके हंड्रेड का जाएगा और अगर इंटर स्टेट था एटेन परसेंट जीएसटी रेट है तो अगेन सेम वे वैल्यू सप्लाई का पार्ट आ जाएगा सर इसी के साथ भारत माता की जाए ये वैल्यूएशन का भी कॉन्सेप्ट खत्म होता है अब सर ध्यान दीजिएगा करना है हर मैदान फतेह और हा सर यू कैन डू इट एंड येस ओनली यू कैन डू इट पर ध्यान रखना आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपको अपनी पूरी जान लगानी पड़ेगी हम आपके साथ है पूरी दुनिया आपके साथ है पर सर अल्टीमेटली खेलना तो आपको ही पड़ेगा माहौल के साथ पढ़िए ऑल द बेस्ट लव यू ऑल टेक केयर बाय।